Assalamualaikum, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं नताशा वकास। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैं कौन सा ऐसा ड्रिंक पीती हूं जिससे मेरी टमी जो है वो बिल्कुल फ्लैट रहती है, क्योंकि आप सब लोग बहुत ज्यादा मुझसे पूछते हैं कि अभी आपके बेबीज भी हैं। अभी लास्ट बेबी जो था वो सी सेक्शन से हुआ था मेरा, तो आप सब लोग मुझसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं कि अभी आप क्या लेती हैं, ऐसा कि आपका पेट नहीं है बिल्कुल भी, आपका पेट जो है वो बिल्कुल फ्लैट है, या आप मोटी नहीं होती, या आपका जो वेट है वो गेन नहीं होता। और स्पेशली काफी सारी लड़कियों को मस्त होता है, उनके पेट के अराउंड बहुत ज्यादा वेट होता है, मतलब एब्डोमेन फैट होता है, और इसके अलावा बाजू पे फैट होता है, थाइस पे फैट होता है, हिप पे फैट होता है। तो सिर्फ ये एक ड्रिंक है जिसको पीने से आप ये सारा फैट जो है वो अपना बर्न कर सकते हैं, और बहुत ही जल्दी आपको एक मंथ में इसके रिजल्ट मिल जाते हैं। तो ये ड्रिंक जो है मैं हमेशा यूज करती हूँ, और काफी ज्यादा लड़कियों को ऑलरेडी पता होगा क्योंकि मैंने पहले भी एक वीडियो में जिक्र किया था कि मैं ये वाला ड्रिंक पीती हूँ। और मैंने बताया था मैं छिल्ले में पूरे 40 दिन ये वाला ड्रिंक पीती हूँ, और इसके अलावा जब मुझे कभी लगता है जी मेरा वेट गेन हो रहा है या पेट जो है वो थोड़ा सा बाहर आ रहा है, तब भी मैं यही वाला ड्रिंक जो है वो पीना शुरू कर देती हूँ। सबसे मजे की बात है कि जो ड्रिंक है ये टेस्ट भी बहुत ज्यादा है। ये भी टेंशन नहीं कि भाई ड्रिंक का टेस्ट जो है वो अच्छा नहीं होगा या बहुत ही गंदा होगा ये वो, तो ड्रिंक टेस्ट भी बहुत ज्यादा है, तो आपने ये टेंशन नहीं लेनी कि भाई ड्रिंक का टेस्ट कैसा होगा। तो चलिए सबसे पहले आप जाके ये रेमेडी देख कर आए कि मैं ये ड्रिंक कैसे बनाती हूँ, और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसको पीना कैसे। तो चलें जी अपने ड्रिंक बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने चूल्हा ऑन करना है, क्योंकि चूल्हे के ऊपर बनने की ये जो हमारी ड्रिंक है, और उसके बाद चूल्हे की जो आग है वो बिल्कुल कम कर देनी है हमने डिम आंच। और उसके बाद कोई एक बर्तन हमने ऐसा लेना है जिसके अंदर एक जग यानी कि 6 गिलास पानी आ जाता हो, और वो डाल के हमने चूल्हे पर रख देना है। ये जो मेरे हाथ में है ये अजवाइन है। अजवाइन आपको पता है चूर्ण वगैरह में, चटनी वगैरह में यूज़ होती है। अजवाइन का काम क्या होता है, आपके मैदे पर जो बोझ बन रहा होता है, खाना हजम नहीं हो रहा होता या कोई भी डाइजेशन प्रॉब्लम होती है, उसको सॉल्व करती है और आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करती है। ये हमारा है फर्स्ट इंग्रेडिएंट। और जो दूसरा इंग्रेडिएंट है वो ये वाली सबस जो सौंफ होती है, जिसकी तासीर ठंडी होती है, अजवाइन की तासीर गर्म होती है, दोनों चीज़ें मिलकर तासीर लेवल हो जाती है। और सौंफ भी जो है वो इसी पर्पज़ के लिए यूज़ होती है कि हमारी बॉडी से जो चर्बी वगैरह होती है उसको जो है वो फ़ौरन से मेल्ट कर देती है ये। तो 2 चम्मच हमने 6 गिलास पानी में सौंफ डालनी है, और अजवाइन जो है वो हमने डालनी है 3 चम्मच। अजवाइन जो है वो ज़्यादा रखनी है सौंफ से, ठीक है। 2 चम्मच सौंफ डालनी है और 3 चम्मच जो है वो अजवाइन डालनी है, और चूल्हे पे इसको छोड़ देना है। बेशक आप चाहें तो ढक्कन ढक सकते हैं ऊपर, ताकि जो इसकी स्टीम है वो बाहर ना जाए, वरना आप ऐसे ही पका सकते हैं। और खुशबू के लिए आप इसके अंदर पुदीने के 2-3 पत्ते डाल लें, और इसके अलावा जो सब्ज़ इलायची होती है वो डाल लें 1-2 इसके अंदर, उससे इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। और इनके फ़ायदे भी हैं, पुदीना भी जो है वो वेट लॉस के लिए यूज़ होता है, सब्ज़ इलायची जो है वो तासीर लेवल कर देती है। और ये जो ड्रिंक है ना ये बहुत ही अच्छा ड्रिंक है, आपकी बॉडी को डिटॉक्सीफाई करता है, आपकी बॉडी में जो एक्स्ट्रा चर्बी होती है उसको ये मेल्ट करता है बहुत तेजी से। और इसके अलावा जो आपको पेट पे जो फैट आ रहा होता है, अक्सर लोगों को मसला होता है पेट लूज हो गया, पेट लटक गया सी सेक्शन के बाद और बच्चों के बाद पेट बाहर आ गया, और इवन लड़कियों की तो शादी भी नहीं होती और बच्चे भी नहीं होते तब भी उनको ये मसला होता है, किसी को जेनेटिकली होता है, किसी को खाना वगैरह ऐसा खाने की वजह से होता है, और लड़कियां जो है वो एक्सरसाइज वगैरह भी नहीं करती या घर में कोई काम वगैरह नहीं करती तो भी मसला होता है, किसी को वैसे भी हो जाता है मसला। तो उन सब चीजों के लिए बहुत 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 ही अच्छा ड्रिंक है। अभी देखिए मैंने चम्मच से जो ड्रिंक है उसको आपस में सारी चीज़ों को मिक्स कर दिया है, और ये हमारा ड्रिंक जो है वो पक के बिल्कुल रेडी हो चुका है। कम से कम आपने 5 मिनट जो है वो इसको बॉईल करना है। आप देखें कितना क्वांटिटी थी पानी की, थोड़ी सी कम हो गई है। उसके बाद आपने चूल्हे को बंद कर दिया, ठीक है। जब आपने किसी ऐसे बर्तन में डाल रहे हैं जो शीशे वगैरह का, तो बस थोड़ी सी एहतियात करनी है, बहुत गर्म नहीं डालना। अब थोड़ा सा जब ठंडा हो जाएगा तो मैं इसको शीशे वाले जग में जो है वो छान लूँगी, ठीक है। आपने भी छान के यूज़ करना है इसको। तो यहाँ पर मैंने एक स्ट्रेनर लिया और उसकी मदद से इस सारे पानी को जो है वो मैंने इसके अंदर छान लिया। एक भी ज़रा जो है वो सौंफ का या अजवाइन का या इलायची का या पुदीने का किसी भी चीज़ का इस पानी के अंदर नहीं रहा। तो ये जनाब बहुत ही आसान सा इजी सा ड्रिंक है, और सारे इंग्रेडिएंट वो हैं जो हमारे किचन में हर वक्त मौजूद होते हैं, चाहे वो इलायची हो, चाहे सौंफ हो, चाहे अजवाइन हो, चाहे वो पुदीना हो। तो ये हमारा ड्रिंक रेडी हो गया। अब मैं गिलास में डाल रही हूँ, आप इसका कलर भी देख लें और इसकी कंसिस्टेंसी भी देख लें कितनी अच्छी है। अच्छा तो बच्चों अब आप लोगों ने देख लिया ना कि ड्रिंक बनाना कैसे, अब इस ड्रिंक को जो है वो पीना कैसे। मैं एक जग फुल बनाती हूँ, और तो फिर भी हाफ बनाए क्योंकि मैंने आपको प्रेजेंटेशन के लिए सॉसपैन में बनाया, सॉसपैन जो था वो छोटा था, तो मैं बड़े वाले देखचे में बनाती हूँ, पूरा जग भर के बनाती हूँ। पूरे दिन में कम से कम 6 गिलास मेरे बन जाते हैं आराम से, और पूरे दिन में वक्फे वक्फे से मैं यही वाला ड्रिंक पीती हूँ। और ये टेंशन नहीं होती कि ये ड्रिंक जो है वो गर्म है या ठंडा है या तासीर कैसी है। इसकी तासीर जो है वो बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं है, क्योंकि ये मेरी अम्मी ने, सास ने, दादी सास ने, सब ने ये टोटका मुझे बताया था, और उन्हीं के कहने में मैंने ये टोटका फॉलो किया था। आई थिंक आपके भी घर के बड़े बुजुर्ग होंगे, उन्होंने भी आपको बताया होगा इस तरह का कुछ। इसमें एक चीज जो है वो एडिशनल है, वो है ये हनी, और आप लोगों की मर्जी है, आप इसको ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। मैं इसके अंदर शहद डालूंगी, इसको आपके सामने पीऊंगी, क्योंकि चीनी ऐड नहीं ना करते इसके अंदर, तो किसी को मसला हो कि भाई बिल्कुल ये टेस्ट लेस है ये,
तो उनके लिए क्या आप इसके अंदर एक चम्मच जो है वो शहद डालें और कभी भी ठंडा नहीं पिए इसको। वैसे जब भी मैं बनाती हूँ ना तो मेरे पास एक बोतल है जिसमें पानी जो है वो गर्म रहता है, तो मैं उसमें डाल के रख लेती हूँ और पूरा दिन मैं इसको पीती हूँ। रोज जो है वो फ्रेश बनाती हूँ, कभी भी मैंने एक दिन का बचा हुआ दूसरे दिन नहीं पिया, क्योंकि बाद ही हो जाता है, एक दिन में आपको खत्म करना होता है। और बहुत ही आसान सी रेमेडी, इतनी भी मुश्किल नहीं है कि आप लोगों को बताते हुए कोई बहुत ही बड़ा मसला हो। रेमेडी देखा मत करो, ट्राई भी क्या करो, इसको वर्क करती है। इतने ज्यादा रिव्यूज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये हमारा शहद जो है मैंने इसके अंदर डाल लिया, देख कितने मजे का लग रहा है, सोचता है कोका कोला तू कोका कोला लग रहा है बिल्कुल। अब इसको मिक्स कर लेते हैं, ठीक है, हम अच्छे से कोका कोला तू ये। अब ये हमारा मिक्स हो गया, और ठंडा नहीं पीना आप लोगों ने इसको, हमेशा इसको नीम गर्म करके पीना है। थोड़ा सा तेज गर्म हो तो ज्यादा अच्छा होगा। और इसका ये भी मसला नहीं है कि निहार मुंह पीना है या कैसे पीना है, पूरा दिन वफ़े वफ़े जब भी आपको प्यास लगे आप ये वाला पानी जाके पी लें, क्योंकि इसके अंदर सौंफ भी है, तो इस वजह से इसकी तासीर जो है वो लेवल हो जाती है। आपको ये भी टेंशन नहीं होगी कि तासीर ठंडी है तासीर गर्म है, वो बहुत तेजी से आपका फैट बर्न करता है। लास्ट जब अब हाज हुआ था ना, तो मैं सी सेक्शन के बाद, आपको पता है सब लोग स्वेल होते हैं, और मैंने एक लाइव वीडियो की थी, आप उसमें देखना, मेरा फेस इतना स्वेल है। तो सी सेक्शन मैं काफी स्वेल हुई थी और मेरा वेट जो था वो था 58। तो फिर मैंने यही ड्रिंक पी पी के अपना वेट जो था वो 48 पे लाया था 40 दिन के अंदर अंदर, छिल्ले के अंदर मैंने ये ड्रिंक पिया था लगातार। और मैं हमेशा हर बेबी के बाद यही वाला ड्रिंक पीती हूँ, तो अभी मैं इसको पी लूँ जरा बैठ के। तो फिर आप सोच क्या रहे हो, किस चीज की टेंशन है भाई, क्यों आपको टेंशन हो रही है, पेट निकला हुआ है, हिब्बारी हुए हैं, या फैट ढाई पे फैट चढ़ा हुआ है, या बाजू मोटे मोटे हुए हैं, तो किस चीज की टेंशन है, ड्रिंक बनाओ और पीना शुरू करो। एक महीने बाद रिव्यू जरूर देना। आप लोगों के बहुत ज्यादा क्वेश्चन थे इस चीज के ऊपर, तो मैंने कहा चले आपके साथ अगेन शेयर कर देती हूँ, शायद न्यू सब्सक्राइबर है पता नहीं है उनको। तो ये ड्रिंक पीना है भाई, क्योंकि मेरी अम्मी का, दादी का, दादी सास का, मेरी सास का, सबका टोटका है, और ये बहुत अच्छा है। सब जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं, बेशक आप कंवारी हैं, शादीशुदा हैं, 16 साल की, 18 साल की, 25, 30 जितने भी साल की हैं आप, कोई मसला नहीं है, डिलीवरी को काफी टाइम हो गया, कोई मसला नहीं, बस आप ये ड्रिंक पीना शुरू कर दें। जब भी मुझे लगता है ना मेरा फैट बढ़ रहा है, या मैं बहुत ज्यादा जो है वो फास्ट फूड खाना शुरू कर देती हूँ, तो मुझे लगता है मेरा पेट निकल रहा है, तो फिर मैं ये वाला ड्रिंक लेना शुरू कर देती हूँ, और मुझे एक हफ्ते में जो है वो इससे फर्क पड़ जाता है, मेरा पेट बिल्कुल फ्लैट हो जाता है। तो मैं इसलिए गैप डालती नहीं हूँ, मैं लापरवाही नहीं करती कि मैं सोचती रहूँ कल करूंगी परसों करूंगी, मैं फौरन से बना के रख, मैंने हर वक्त सौंफ और अजवाइन घर में रखा होता है इसी चीज के लिए। जब आप इस रेमेडी को ट्राई करेंगे, एक मंथ बाद आपने अपने रिव्यू जरूर शेयर करना है, ठीक है। रोज एक जग बनाना है, कम से कम 6 गिलास रोज का पीना है। बहुत ही इजी सा लाइट वेट ड्रिंक है, आपका डाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छा कर देता है ये ड्रिंक, इतने आराम से आपका खाना डाइजेस्ट हो जाता है, आपको वो गैस का इशू हो, कोई भी इशू, आपका वो इशू भी सॉल्व कर देता है, और आपको खुद अपनी बॉडी जो है ना इस लगती डिटॉक्सिफाई हो गई है, बॉडी हल्की हल्की सी फील होती है बॉडी, वो जो एक अजीब सा भारीपन हो रहा होता है ना तबियत में, वो भी खत्म हो जाता है। तो खैर ये मेरी आज की वीडियो थी, आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। ऐसा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी और मैं कैसी लग रही थी आप। खैर मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब लगेगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।